निकल जाए, तो वैसे ही अपने में ही पली बड़ी हुई जो डायटिशियन है, आज टीवाई पाटिल में जो कंसल्टिंग कर रही है, इट इज अ वेरी टॉप ब्रांड है। अपना बच्चा अगर कुछ अच्छी चीज के लिए बोल रहा है और अच्छी चीज को प्रेजेंट कर रहा है तो तालियां कैसे बजाएंगे? बहुत दिनों के बाद मौका मिला है वापस आने का और खड़े रहने का और एजुकेशन सीरीज में वापस से भाग लेने का। तो आज का जो न्यू लॉन्च है हमारा, कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है कोम्बुचा, जिसको लेके हम काफी ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड रहे कि क्या है ये चीज। ठीक है, मैंने भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, कुछ न्यूट्रिशन की टेक्स्ट बुक्स में था, कहीं सोशल मीडिया पे दिख गया था कोम्बुचा। सिर्फ बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो चाइना, हांगकांग, जापान में होते हैं, जिनकी स्किन देख के ऐसा लगता है कि वो पोर्सिलिन की डॉल है, ऐसा लगता है ना, कठपुतलियां हैं, वो लोग इस चीज को कंज्यूम करते हैं। तो हमारे इंडिया में तो इतना काफी ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत कुछ ही लोगों ने उसका नाम सुना होगा या कहीं देखा होगा इस चीज को। मार्केट में भी रहता है कभी कभी, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर जो रहते हैं वहां पर आपको फ्रिज में मिलेगा, लेकिन वो पीछे की तरफ होता है। नाम इतना वियर्ड है तो हम इंडियंस उस चीज को प्रेफर नहीं करते या क्या है चीज सोच के पीछे हट जाते हैं। तो ये जो एक नई चीज है जो डॉक्टर लिम और डॉक्टर राजेश सवेरा हमारे लिए लेके आए इलेक्शन में, सबसे पहले उनके लिए बहुत बहुत तालियां। पर आगे जाके ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली है जो मोस्टली बेवरेज के फॉर्म में थे। आज तक हमारे पास दो पांच से खिलाड़ी थे, एक हमारा रोजेल था और दूसरा हमारा मोरेंजी था, इन टर्म्स ऑफ जूसेस या बेवरेज। पर अभी उन्होंने ऐसी चीजें लेके आई है जहां पर आपको लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा कि नोनी क्या है, रोजेल क्या है। ये कुछ ऐसी चीजें लेके आए जो आपको सिर्फ ढक्कन खोल के पिलाना है, सामने वाला आपसे पूछेगा भाई दो बॉटल मुझे और दे। ठीक है, तो इसके बारे में लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज क्या है, कहाँ से आई है, क्यों डॉक्टर ने ये चीज को चुना और बाकी चीजों को प्रेफर नहीं किया। ये हमारा पहला प्रोडक्ट क्यों है, इसके बारे में समझने के लिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अमर क्या होता है और अमृत क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पर? अमृत होना या अमर होना क्या होता है, कोई बोलना चाहेगा? So, अमृत का मतलब होता है बेसिकली जो लॉन्ग लास्टिंग होता है यार, जो चीज जो आपके लिए बहुत समय तक रहे, कभी मरने वाली चीज ना हो। ओके, तो कोम्बुचा की हिस्ट्री जो है शुरुआत होती है चीन में, अगेन ठीक है, वहां पर कुछ राजा लोगों को ये सीक्रेट मिला गया था कुछ सन से। ओके, जो बहुत साल तपस्या करते हैं आपके पहाड़ों में, उनसे उनको ये सीक्रेट मिला गया था और वो सिर्फ वो राजा की रानियां कंज्यूम करती थी। क्यों? ताकि उनकी त्वचा जो है वो ग्लास स्किन वाली हो जाए, जहां पर आपको जो त्वचा है उसमें चमक आए, ओके, रोशनी आए, ऐसी चीज के लिए वो कोम्बुचा को कंज्यूम करती थी। फिर धीरे 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 करके एक दूसरा कोरियन डॉक्टर था जिसने ये चीज को वहां से लिया और आगे जाके बढ़ाने की कोशिश की और बाद में उसका नाम पड़ा कोम्बुचा। यहाँ पर जो वर्ड है आप अगर देखोगे बॉटल के ऊपर तो कैसे लिखा है, कोम्बुचा। कोम्बु का मतलब यहाँ पर होता है, तो मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है, सो कोम्बु का यहाँ पर मतलब होता है कैलकटी, यानी कि कोई भी जो फंगस होता है या मशरूम होता है उसकी चाय, और चा का मतलब होता है चा।
सो ये एक बेसिकली मशरूम का ही चाय है जो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है, क्यों इसकी क्या खासियत है और क्यों आपको इसको डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो इसकी जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ही ज्यादा रिच रही है। आने वाला 21 फरवरी जो है उसको पूरे दुनिया में मनाया जाता है कोम्बुचा डे करके। तो हमें याद रखना है कि वापस आके अगले महीने हम यही मिले ताकि हम सब वापस से कोम्बुचा डे सेलिब्रेट करें। तो बात ये हुई कि बाद में जब कोरियन डॉक्टर ने उसको बनाना स्टार्ट हुआ, फिर वहां से वो यूरोप में गया, रशिया में गया और थोड़ा बहुत हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो साइड है वहां पर भी लोगों ने इसको पीना शुरू किया। अगेन यहाँ पर जो कैंप की मैंने बात की थी ना, कोम्बु का मतलब क्या होता है, जो शिवार का जो पार्ट होता है वही। सो पहले जमाने में इसको शिवार का जो पार्ट बचता था उसकी चाय बनाकर फिर इससे बनाया जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब है कोम्बु का मतलब होता है कैल्प यानी फंगस और चा का मतलब होता है चाय। तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ चाय, पर ऐसी चाय जो ज्यादा से ज्यादा फर्मेंटेड है। इसका अगर मैं सिंपल ये बताऊं तो जैसे आपकी दूध होती है, दूध से आप दही बनाते हो, ठीक है। दूध हम क्या बोलते हैं, किसी किसी को पाचन क्रिया में तकलीफ देता है दूध, लेकिन दही अगर वही आप इंसान को पिलाओगे तो उसका पेट क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, पेट में क्या पड़ती है, ठंडक पड़ती है। उसी तरीके से जो हमारी चाय है जो हम दूध में उबाल उबाल के लेते हैं कभी कभी, उससे क्या होता है, वो दिन भर एसिडिटी होती है। पर वही आप अगर उसी चाय को दूसरे फॉर्म में लेते हैं जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कोम्बुचा, तो वो आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, यानी आपके पेट को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए मेन चीज तो मैंने आपको बताई चाय चाहिए। तो हमारी जो चाय पत्ती होती है काली चाय से ही ये चीज बनी हुई है और इसके अंदर एक चीज नहीं डाली गई है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, इसको कहते हैं स्कोबी। ओके, स्कोबी बेसिकली एक ऐसा कल्चर है, ऐसी सोसाइटी है जहां पर बैक्टीरिया और यीस्ट साथ साथ रहते हैं। जैसे हमारा मुंबई शहर कैसा है, दिल्ली शहर कैसा है, कोलकाता शहर कैसा है, उसकी अपनी खासियत है ना मुंबई वालों की, वो अलग ही होते हैं कितना भी अगर आप कोशिश करें तो। हमारी स्पेशलिटी होती है, हमारा ये होता है, वैसे ये भी एक अलग सी सोसाइटी है जहां पर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे पेट के लिए, हमारे हथेलियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जो स्कोबी है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे एक बेसिकली एक लिक्विड, ऐसा लिक्विड और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली पता है सबको, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पर ये इतना महंगा होता है, मैंने सोचा कि मैं अमेजोन से ऑर्डर करके यहाँ ले आऊ सबको दिखाने के लिए, पर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। 5 ग्राम 100 ग्राम कुछ 2000-3000 रुपए के ऊपर होता है, क्योंकि ये अगेन महंगी चीज है जो सिर्फ बड़े लोग शायद पीते थे या उसके बारे में पता करते थे या उसको अपने डेली इसमें रोज इंक्लूड करते थे। तो ये जो स्कोबी है इसका काम है ये बैक्टीरिया रखना, ठीक है। सबको पता है दही कैसे बनता है, दूध दिया, थोड़ा सा पुराना दही डाला तो ये बन जाता है। इसका काम वही है, जैसे वो थोड़ा सा दही एक स्टार्टर की तरह काम करता है ना, जिसमें पूरे पूरे नए दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, उसी तरीके से आपका चाय लिया जाता है। उसी तरीके से आपका काला चाय बनाया जाता है, और काला चाय बनता किससे है, क्योंकि ये डीएचसी आपको पूछने की जरूरत है कहां से आता है, काला चाय ये वाला चाय से आता है। उसके बाद इसके अंदर शक्कर डाला जाता है और वो स्कोबी का एक पार्ट उसके अंदर डाला जाता है। शक्कर क्यों डालते हैं, आपने सुना होगा, मैंने कहा है, पापा ने कहा है कि ये जो सफेद शक्कर होता है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसको निकालो। पर ये स्कोबी कुछ खाना तो खाएगा ना, इसको रहने के लिए जगह तो चाहिए, खाना तो चाहिए। तो ये खाना क्या होता है, स्कोबी का शक्कर होता है। तो जो स्कोबी है उसको एक एनवायरमेंट चाहिए घर रहने के लिए, वो घर कौन सा है, ब्लैक टी, और वहां पर जो खाना है वो है शुगर। ओके, यानी कि शक्कर। ये शक्कर जो यहाँ पर आपने बॉटल के ऊपर देखा होगा, इसमें कुछ अराउंड 1 ग्राम शक्कर डाली हुई है अंदर। तो ये जो शक्कर है ये बेसिकली वो स्कोबी का खाना है, ठीक है। उसके ऊपर ये बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें से बहुत सारा शक्कर जो है खुद इंजेस्ट करते हैं और गैस रिलीज करते हैं, और वो जिस हिसाब से बन जाता है उसको कहते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आपके अथरियों में रहता है, पेट में रहता है, और उसके वजह से आपका जो डाइजेशन है या पाचन क्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा इजी हो जाता है। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको एसिडिटी की तकलीफ है और जो ओपन है बोलने के लिए कि हाँ आज मुझे एसिडिटी की तकलीफ है, या मैं अगर कुछ नॉनवेज खा लेता हूँ या कुछ तेल का चिकना खा लेता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है ना। 3 में से 2 लोगों को ऑलमोस्ट मुंबई शहर में एसिडिटी की
यानी पेट में घबराहट की या तो फिर यानी पेट में जलन की परेशानी है, एसिडिटी की परेशानी है, तो ये चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये आज नई ड्रिंक आई है और इसको हमें रोज सेवन करना चाहिए। अगेन ये सबके लिए है, एक छोटा सा बच्चा भी इसको कंज्यूम कर सकता है, आप भी कंज्यूम कर सकते हैं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है वो भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको थोड़े देर कुछ गोभी डाल के रख दिया जाता है और फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। जो शायद नॉर्थ इंडिया से आए होंगे वो जानते होंगे कि कांजी जी टाइप की चीज बनती है, किसी को पता है? कांजी जो गाजर से बनती है, बाकी फल सब्जियों से बनती है, और थोड़ा देर उसको ढक कर अगेन रख देते हैं फर्मेंट करने के लिए, और कहते हैं कि इसको पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोबायोटिक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी फर्मेंटेड ड्रिंक्स है, जैसे कि छाछ है वो भी फर्मेंटेड ड्रिंक है, इडली डोसा ये सब भी जो चीजें होती है इसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये सदियों से चलता आया है और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस क्या लगता है ये प्रोसेस को करने के लिए थोड़े से टाइम और थोड़ा सा सबर लगता है, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं तो हमारे पास वो ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर जी हमें जानते थे इसीलिए उन्होंने हमें फ्री बना के ऑलरेडी दिया है, सिर्फ क्या करना है बॉटल का ढक्कन खोलना है, उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। अगेन जब ये आया तो मैं एक्साइटेड तो थी पर एक चीज को लेके थोड़ा सा टेंशन में था, टेस्ट कैसा होगा, ठीक है। पता है पेट के लिए तो सब चीज अच्छा होता है पर जबान में भी चीज अच्छी लगनी चाहिए ना। तो इसकी जो टेस्ट की बात की गई थी तो पांच टाइप होते हैं या पांच साइन होते हैं कि इससे आपको पता चलता है कि आपका जो कोम्बुचा है वो सबसे ज्यादा फ्रेश है और सबसे ज्यादा हेल्दी और बेस्ट क्वालिटी का है। जैसे कहते हैं ना A1 क्वालिटी का है, बिल्कुल वैसा है। तो वो पता करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि इसकी जो स्मेल आती है, जब आपने बॉटल खोला तो आपको विनेगर की स्मेल आई, विनेगर जो सबके फ्रिज में होता है, हमारे चाइनीज डिशेज में जाता है, सब जगह जाता है, विनेगर की स्मेल आई मतलब इसमें एसिड बनता है, जो बैक्टीरिया है वो सच में काम कर रहा है और एसिड बनाता है। दूसरा इसकी जो ग्रोथ है, ये अगर आप कहीं इसको देखेंगे तो आपके इसको इसके अंदर कुछ फैलता हुआ नजर आएगा, वो कचरा नहीं है, कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको टेंशन नहीं लेना है कि मैडम ये खराब है, ये अच्छी चीज है। इसका मतलब स्कोबी का 2-3 पार्टिकल इसके अंदर आ गया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ये आए तो वो भाग जरूर ले, वो तो सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर, ठीक है। वो आपके पेट में गया मतलब हजारों सैकड़ों बैक्टीरिया आपके पेट में गया जो आपको आगे जाके मदद करेगा। दूसरा इसके अंदर जो यीस्ट की एक्टिविटी है उसकी वजह से आपको दिखेगा कि इसके अंदर बबल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वैसा बबल्स नहीं रहेगा जो आपको आपके नॉर्मल सोडा में मिलता है नीचे, ठीक है, बट ये अलग टाइप का है, ये आपके लिए एक्चुअली अच्छा है। तीनों सब पीते हैं ना, तीनों क्यों पीते हैं, उसमें क्या आता है सबसे ज्यादा, कुछ रहता है उस चीज में, पानी में पाउडर मिक्स करते तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है, वो बबल निकलता है ना, उससे क्या करते हैं डकार रहती है ना, ताकि हमको क्या लगता है सब कुछ नीचे चला गया, पच गया, है ना। तो वही चीज में लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा नमक या शक्कर होता है आपके लिए वो अच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, जैसे वो लोग एड में दिखाते हैं ना 6 सेकंड से कुछ तो है ना उसका, 6 सेकंड में आपको फुर्सत मिल गई या उससे आपको राहत मिल गई, वो सिर्फ उतने देर के लिए ही काम करता है, लॉन्ग टाइम वो चीज आप पर इफेक्ट नहीं करती है। तो वो जो बबल्स का आना होता है वो एक्चुअली अच्छा होता है, पर एक अच्छे बैक्टीरिया के साथ उसको लेंगे तो उससे आपके पेट को बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा या जो एसिडिटी का वगैरह का प्रॉब्लम है वो ज्यादा नहीं होगा। साथ में जो चाय का कलर होता है वो थोड़ा काला होता है, मैंने अभी देखा कोई तो बॉटल में चाय लेके आया था, चाय का कलर काला होता है जैसे इसके अंदर यीस्ट का एक्टिविटी होता है, ओके, जैसे इसके अंदर वो एक्टिविटी होना स्टार्ट होता है वही, हाँ देखिए काली होती चाय, देखिए जो आपकी ब्लैक टी है वो ब्लैक कलर की है प्रॉपर, और इसके अंदर भी यानी बैक्टीरिया डाला गया था जिसने अंदर काम किया है, जिसने अंदर रहा है, तो उसकी वजह से कलर में डिफरेंस आ जाता है। जो आपका कोम्बुचा होता है वो थोड़ा सा कलर में लाइट होता है एज कम्पेयर टू द अदर। और दूसरा इसका जो पीएच रहता है जिससे हम पता करते हैं कि इसमें एसिडिटी कितनी है और अल्कलाइनिटी कितनी है, हम पता करते हैं ना अच्छा है कि नहीं अंदर, तो ये जो है एक नॉर्मल रेंज में आता है जो आपका पेट इजीली पचा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस होती है प्रॉपर हेल्दी कोम्बुचा की जो सबको ट्राई करना चाहिए और साथ में ये करना चाहिए। मैंने कहा कि टेस्ट कैसा होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे खुद के लिए,
क्योंकि भले हम एक भले मैं एक न्यूट्रिशन फैसिलिटी से या एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ या एक डाइटिशियन हूँ, पर कभी ना कभी मंथ में एक बार मैं खुद को अलाउ करती हूँ ये पीने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे वो बबल वाला फ्रॉन अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ वो खराब चीज है, मानती हूँ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बहुत सुनना भी पड़ता है पापा से जब भी मैंने वो लिया था भी। पर वो क्या है, एक टेस्ट का ये कि कहीं बाहर गए कुछ जंक फूड खाया, बिरयानी खाई, तो बिरयानी नीचे डालने के लिए क्या चाहिए, पेप्सी चाहिए। आज मैंने नाम बोल दिया, मैं नहीं डरती हूँ, आने दो। ठीक है, अब इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट मैंने रखा है। ठीक है, एक मैं एक चीज इम्पोर्टेंट ये बताना चाहती थी कि बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट है जिनके पीछे जो भी लिखा है ना उसमें बहुत गंदा है, सच में गंदा है। हमको नहीं समझता क्योंकि हम वो चीजें से नीचे क्या देखते हैं, प्राइस। दूसरा क्या देखेंगे, एक्सपायरी डेट में टाइम है या नहीं, उसके बाद कुछ देखते हैं नहीं देखते। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस चीज का बहुत घपला होता है। ठीक है, वो लोग आधी चीजें लिखेंगे, आधी चीजें अलग वर्ड में बना के देंगे, शक्कर डालेंगे लेकिन शक्कर को अलग अलग नाम में लिखेंगे जिससे आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या। ठीक है, यहाँ पर डीएक्सएस तो ओनली कंपनी जो मैंने देखा है जिसके सारे प्रोडक्ट पे क्लियर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि उसके अंदर डाला क्या गया है, कितना डाला गया है, और उसका प्रोफाइल जो है वो सालों से सदियों से जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तब से वो सेम रहा है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। और ये क्या बताता है, डीएक्सएस के ऊपर आपका इससे मेरा क्या बढ़ गया, बेसिकली ट्रस्ट बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया हमारी खुद की कंपनी पे। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए जोरदार तालियां हो, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है जो शायद हम नहीं देखते, पर ये बहुत बड़ा एक्चुअली रोल प्ले करती है जब एक कंपनी खुद अपने, क्योंकि वो चीज क्या होती है, हम उसको सिर्फ घर में लगाते नहीं, वो हम हमारे अंदर डालते। इतना बड़ा जो हमें गिफ्ट दिया गया ऊपर वाले से, उसके अंदर हम जब ये चीजें डालते हैं तो उस पर हमें भरोसा होना चाहिए कि हम वो क्या चीज हमारे अंदर डाल रहे हैं। सो नेक्स्ट ये है कि अगर आप इससे सिंपल कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो कैलोरीज होती है जिससे बोलते हैं कि आपका वजन बढ़ता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है, कुछ 240 नंबर में होती है। ये भी 250 ml की ही बॉटल आती है, इतनी सी। और उसी जगह पे जब हमने हमारा कम्बुचा कंपेयर किया तो ये 240 है और उसमें से 2 हटा के ये सिर्फ 40 है, दैट इज 100 ml जितना आप एक टाइम पे कंज्यूम करोगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं उसको उतना ही लूं जितना ये लिया है, 150 ml ये, 150 ml ये, तो भी ये 120 से ज्यादा नहीं होता, मतलब ये ऑलमोस्ट इसका आधा है, हाफ है। साथ में जाते हुए इसमें शुगर देखिए कितना, 60 ग्राम 65 ग्राम, जो बेसिकली आपको सीधा डायबिटीज, कैंसर, इन सब के लाइन में लेके जाता है। और यहाँ पर हमारा जो शुगर है दैट इज नॉट मोर देन 1 ग्राम शुगर, दैट इज नॉर्मल। हमारे दिन में अलाउड है कि आप 2 से 3 चम्मच यानी कि 10 से 15 ग्राम शक्कर आप दिन भर में ले सकते हो, इसमें से उसमें से 1 ग्राम है, और वो भी शक्कर यीस्ट अपने आप खा जाता है, यानी यीस्ट अपने आप उसको कंज्यूम कर लेता है। तो अगर यहाँ पर सवाल रहेगा कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं ये ले सकता हूँ क्या, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मैं ले सकता हूँ क्या, हाँ आप बिल्कुल इसको रोज कंज्यूम कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि जिनको डायबिटीज होता है उनकी हथड़ियां बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और वो चीज दिक्कत नहीं आती, पर ये लेने से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी और आपका ब्लड शुगर भी मैनेज होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ना कि सिर्फ वहां का यीस्ट कंज्यूम करेगा, पर जो आपकी बॉडी में शुगर फैल रहा है या शक्कर की जिसको बीमारी है उसको भी इससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपका घर में जितना भी सोडा आता है वो काला पानी का आता हो, सफेद पानी का आता हो, ऑरेंज कलर का आता हो, आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है उसको, डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, चेंज कर देना है बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्ट जो है बिल्कुल सेम है। दूसरे टाइप का भी एप्पल ड्रिंक वगैरह का इसी का आता है, ये ब्रांड का बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है, थोड़ा सा इसको डेवलप करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत इसकी ना बच्चों से करनी, क्यों जरूरी है बच्चों में करना, क्योंकि जब आप बच्चों को नई नई चीजें बचपन में ही खिलाते हो ना तो आगे जाके उनके नखरे नहीं रहते कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सब चीज का क्या करना है, वो टेस्ट की आदत डालनी है, खुद उनके सामने पीना है वो अपने आप पिएंगे, ठीक है, अगर आप ये वाला चूज करेंगे तो उन्होंने भी आगे जाके यही पीना है, हमारे केस में ऐसा नहीं था, ठीक है, पर फिर भी हम थोड़े अलग थे, पर यहाँ पर आपको
चूज करना है, जो आप उनके सामने पिएंगे वो आपका बच्चा पिएगा। तो सामने ही उनके सामने थोड़ा थोड़ा बनाकर उनको देना स्टार्ट करिए। जो अतड़िया होती है ना हमारी गट, उसका कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ से होता है। अगर यहाँ पर बहुत तनाव है तो ये वाला खराब हो जाता है। और ये अभी प्रूवन है, फैक्ट है कि आपको स्ट्रेस कम रखना है, आपका एसिडिटी और पाचन क्रिया बराबर रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप अगर हेल्प करते हो तो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंचेगी बात कि भाई सब कुछ सही सलामत चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री अपने आप काम कर रही है, अच्छे हार्मोन अच्छे एंजाइम्स क्रिएट कर रही है ब्रेन में, जो अच्छा रहेगा। तो हमें क्या करना है, जितने भी एरेटेड सोडा ड्रिंक्स है उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देना है, क्योंकि इससे अच्छा फिलहाल कोई ड्रिंक मार्केट में नहीं है जो आपके लिए हेल्दी है। और ये पीने के बाद ना हमेशा गिल्टी भी होता है, मतलब ऐसे मन को ऐसे काटता है कि हाँ पी लिया, क्या करें अभी, किस मुंह से लोगों को बोलू मत पियो, वो मुझे भी तो बोला ना लोगों को ये नहीं पीना चाहिए, पर अब मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि ये नहीं पीना चाहिए, मैं बोलूंगी ये हटाओ और ये पियो। लोगों को सोल्यूशन पसंद होता है, प्रॉब्लम पसंद नहीं होते। ओके, तो अभी आप क्या दे रहे हो, सोल्यूशन, प्रॉब्लम हटा रहे हो और साथ में क्या दे रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो। क्लियरली बोलना है कि जो भी आपने एरेटेड ड्रिंक पिया है उसको निकाल दीजिए मार्केट में और ये वाला लेके आइए। अब इसका यूज कैसे करना है, तो मैंने लॉन्च का वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें कि दिखाया कि आपके पास अलग अलग जूस कौन कौन बनाते हैं घर में। शरबत सबको पसंद होती है ना, हम कभी कभी कोकम की बनाते हैं, कभी कभी आम की बनाते हैं शरबत, आम पन्ना बनाते हैं, अरे समर में तो आग लगा देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कोकम की शरबत लेनी है, आम पन्ना लेना है और थोड़ा सा इसमें जो है ये उसके अंदर डाल के रख देना, क्योंकि ये यीस्ट है, डॉक्टर लिम उसमें से यीस्ट आपको निकाल के नहीं दे रहे, बाकी कंपनी क्या करती है निकाल के देती है ताकि घर पे लोग बार बार नहीं बना सके, ये आपको सिर्फ उसमें थोड़ा सा डालना है और थोड़े देर के लिए एक दिन के लिए भी ढक के रख देंगे तो चलेगा, वो अपने आप आपका कोकम कोम्बुचा रेडी हो जाएगा। आप अगर आम पन्ने में डालते हैं तो आपका आम पन्ना कोम्बुचा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा भी आप उसमें से यूज करेंगे तो भी उसके आगे आगे आप चीजें डेवलप कर सकते हो। अगर आप घर में कोई और शरबत जैसे कि ऑरेंज जूस पीना चाहते हो या पोमोग्रेनेट जूस या कोई भी अलग अलग शरबत पीना चाहते हो या घर में कांजी बनाना चाहते हो जो गाजर की बनती है नॉर्थ साइड में बनाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसमें कोम्बुचा ऐड करके रखे वो अपने आप यीस्ट कल्चर में डेवलप हो जाएगा। चाय लेके बहुत सारे लोग घूमते हैं अभी मुंबई में, बॉटल में चाय बनाते हैं और कैरी करते हैं, थोड़ा सा कोम्बुचा उसमें डाल के रखिए, वो अपने आप जब आप घूमते रहेंगे धूप में जाते हैं कहीं पर भी वो अपने आप अलग ब्लैक टी कोम्बुचा में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में अगर आप सिर्फ इसको ऐसे ही कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हॉस्पिटल में जो दारू पीते हैं रोज, ठीक है, हम उनको बोल नहीं सकते कि आप मत पियो, वो उठ के चला जाएगा, नहीं चाहिए मैं, ठीक है मर जाऊंगा, कोई बात नहीं करना मेरे को, तुम्हारा मैं क्यों सुनूं तुम्हारा, क्योंकि उनको उस चीज की लत लग गई होती है। वहां पर अगर आप आसपास में ऐसे लोगों को जानते हो जिसको आदत है लत है तो उनको मदद करने के लिए आप ये चीज का सजेशन दे सकते हो। अगेन इसके अंदर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है, स्टेजेस होते हैं अल्कोहल तक, कुछ लोग इसका अल्कोहल आगे बनाते हैं बट उससे पहले ये हमें पार्सल करके दे दिया जाता है